हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज अभिषेक चौधरी एंड आज है 23 अप्रैल एंड मौसम बहुत सही हो रहा है भाई। आज कभी एकदम से ठंडा ठंडा बादल होके हवा होने लग चल रही है, कभी एकदम ही धूप हो जा रही है। बट सुबह सुबह दुकान में बैठे हैं, आपको पता ही है पापा नहीं है अभी घर पे, तो एज यूजुअल सुबह हमें दुकान में बैठना है एंड मम्मी ने हमें दे दिया गर्मा गर्म टोस्ट बना के। वैसे मैंने मम्मी को ट्रिक करके ऊपर भेज दिया था, पहले मम्मी बैठी थी यहाँ पे, मैंने मम्मी को बोला जाओ, मैंने खा लिया है, क्योंकि वो यहाँ पे बैठे बैठे सो रही थी। बट फिर उनको मैंने बोला, मैंने कहा ब्रेड और न्यूट्रेला खा लेंगे, कल अब शॉपिंग करके आए हैं, न्यूट्रेला लेके आए हैं तो खा ही लेते हैं। बट मम्मी भी मम्मी मम्मी ने कहा नहीं, न्यूट्रेला ब्रेड से क्या होगा, तो उन्होंने टोस्ट बना दिए, तो अभी टोस्ट खाएंगे। एंड भाई जैसे आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा हमारा डी मार्ट वाला, एक चैलेंज था काइंड ऑफ, हमने ट्राई करा, तो ऐसे आइडियाज़ और आप लोग दो ताकि हम लोग कुछ ना कुछ तो ट्राई करें नया क्रिएट करने का। हम भी ट्राई करते रहते हैं सोचने का, आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ हो तो करो। एक हमने चैलेंज सोचा है, एक ना वो चैलेंज होता है स्लैब चैलेंज होता है, इसमें सामने वाले बंदे दो होते हैं और वो मुंह में पानी भरते हैं एंड स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, तो जो भी हारता है वो सामने वाले बंदे को थप्पड़ मारता है। बस ये होता है कि सामने वाले बंदे को हंसना नहीं होता है, एज इन थप्पड़ वो उससे मारते हैं। एक ना ऐसे आती है रोटी टाइप की आती है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे को नाम भूल गया, तो उससे स्लैप करते हैं। तो वाला चैलेंज सोचा है मैंने कि आपस में करेंगे, तो लेट्स सी। ऐसे मतलब ये मेरे दिमाग में आया, मेरे को रील दिखी है कि इंस्टा पे, तो उससे। तो बाकी अगर आपको भी कुछ आइडिया हो कि ऐसा कुछ कर सकते हो, चैलेंज फन चैलेंज या कुछ भी डेयर दे सकते हो, तो बताना प्लीज़ बताना, ठीक है, लेट्स गो। तो भाई थोड़ा सा खाने में परिवर्तन, मम्मी ने जो टोस्ट बना के दिए थे उसके साथ मम्मी ने दी चिली सॉस, जो कि बहुत ज़्यादा तीखा हो गया था, मतलब उसमें हरी मिर्च भी डली हुई थी टोस्ट में, फिर चिली सॉस। तो अब मैंने ब्रेड एंड न्यूटेला लगवा के मम्मी से मंगवा लिया ताकि थोड़ा सा मीठा हो जाए, लेट्स गो। टेस्ट सही होना चाहिए भाई। एंड देखो फिर से मौसम बिल्कुल एकदम ठंडा सा हो गया, बादल बादल वाला। दोस्तों घूस लेते हुए आज हम घूस देने आए हैं अभी सर को। दोस्तों अभी तक सर को घूस देने आए हैं। कैसी घूस देने आए भाई? सर हमारा ना वो करवा दो। क्या करा दो? चुप्पे में चुप्पे में चुप्पा में करवा दो। एक प्लॉट निकलवा दो सर। सर नमस्ते सर, क्या हाल है भाई? सर नमस्ते सर। सर ये लो देखो सर घूस। दोस्तों ये लड़का कौन चोर है मेरा, तो सर को मैं वो दे रहा हूँ। हाँ कि सर 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 नहीं लेना है वो। सर वो किस्त जमा कर रहे हैं, सर को चंदा दे रहा हूँ भाई। लेग मार के आएगा, लेग दिखा रहा, देख रहा भाई चमका रहा है। हाँ भाई वही मार के आया, इसीले चमका रहा सर। ये देखो ये वो काले हो गए लेग। एटीएम चुराने नहीं भाई, एटीएम से पैसे निकालने। क्या तैयार हो रहा है? ओ भाई साहब अब नहीं पहचाने कोई। सही भाई सही, मजाक कर रहे हैं, पैसे निकालने आए हैं। पुलिस वाले नॉक करते हुए, मम्मी बैठो। क्या लगता है YouTube से कितनी कमाई होती होगी हमारी? हैं? फिर भी लो निकाल के क्यों लाऊंगा? YouTube की कमाई, YouTube की, YouTube वाली और क्या वाली? आएगा एक दिन गाइस YouTube से भी ऐसे ही आएगा, जैसे मेहनत कमा रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं थोड़ा कमा जोड़ उड़ के दे रहे हैं, वैसे YouTube से भी देंगे ऐसे ही। सो गाइस आ गए हैं स्टूडियो, जस्ट अभी राधा दीदी का फ़ोन आया था कि वो आने वाली हैं, तो मैंने कहा स्टूडियो खोल देता हूँ, फिर खाना वाना खा के क्लास के टाइम पे क्लास खिलाएंगे। बट अभी तो मैंने जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने मम्मी को थोड़े कॉलेज से जो पेमेंट आई थी वो मैंने कैश निकाल के मम्मी को दी, और वो बोल के कि यूट्यूब की पेमेंट है, हालांकि मोनेटाइज भी नहीं हुआ। बट अभी मेरे दिमाग में बस यही था यार कि आई गेस हर बच्चा ये चाहता है कि वो अच्छा एक अमाउंट कमाए, अच्छा सफिशेंट अमाउंट कमाए, अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाए, कि उनकी फैमिली खुश है वो चीज़ देख के, एज इन सारी नीड्स सारी चीज़ें पूरी हो पाएँ उसके ज़रिए। तो मेरा तो बस यही टारगेट रहता है कि भाई कमाओ अच्छा से ताकि फैमिली खुश रख पाएँ, दैट्स इट। अपनी मौज मस्ती चलती रहती है, एज इन अपने लिए तो करते रहोगे, बट फैमिली के लिए पहले करो,
फैमिली खुश है तो आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। सो लेट्स गो, और मेहनत करेंगे और कमाएंगे एंड सारी खुशियाँ देंगे अपने घर वालों को। तो भाई नहा वहा के हो गए हैं रेडी, मम्मी ने दे दिया है खाना हमें, सब्जी एंड चावल, और अब इसके बाद खाना वाना खा के स्टूडियो जाना है। राधा दीदी के घर पे थोड़ा काम आ गया था तो आ नहीं पाएंगे, तो जल्दी से खा के हम जाएंगे स्टूडियो भाग के झाड़ू वाड़ू लगाने। झाड़ू लगा पाऊंगा यार, जितना टाइम बचा है कि हाफ एन आवर बचा है, तो जल्दी से खा के स्टूडियो जाके झाड़ू लगाएंगे। चलो भाई बाय बाय। मैं तो कह रहा हूँ बारिश हो जाए, जैसा मौसम हो रहा है बाहर मज़ा आ जाएगा। सो भाई स्टूडियो आके हमने बेसिक झाड़ू वाड़ू लगा दिया, लाइक जो स्टूडियो गंदा था एंड जो लाइटें वाइटें बिखरी पड़ी थी कल शूट जो हुआ था उसके बाद, तो हमने बेसिक सेटअप कर दिया है यहाँ पे ताकि बच्चों के आने के बाद काम चल जाए। जब 6 से 7 में गैप होगा तब देखेंगे कि बाकी अगर नीड पड़ी तो, ऐसा नीड तो नहीं है, जहाँ जहाँ तो गंदगी थी वो मैंने झाड़ू से साफ कर दिया। सो यस, अभी भी 15 मिनट हैं, थोड़ा सांस लेते हैं भाई, आराम देते हैं अपने आप को बच्चों के आने से पहले। मानवी आप BTS के फ़ैन हो क्या हैं? हाँ ना तो बता दो। हो? अरे ये क्या, ऐसे ऐसे करने से क्या होगा? हो नहीं हो ये बताओ, इधर टी शर्ट तो दिखा दो, इधर मुड़ो। ओ भाई साहब, आपको उन सबके नेम याद है, कौन कौन है बताना। तेज बोला, आवाज़ ही नहीं आ रही। इतने ध्यान से आप क्वेश्चन आंसर याद रखते हो? भाई बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है, लाइट भी तो चली गई। कहाँ पानी गिर गया? बाहर बारिश हो रही, तुम यहाँ पानी गिर रहे हो? चलो भाई सारे बच्चे ना संभल के जाना, कहीं पता चला कीचड़ में जाके फिसल गए, को कीचड़ कीचड़ हो गए। चलो बाय बाय। ओए तुम लोग व्लॉग देख रहे हो? आज का व्लॉग देखना, आज ना मैंने वो एक शॉपिंग चैलेंज करा था मम्मी के साथ, ठीक है? यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ ये शरीफ बच्चे खड़े हैं और यहाँ ये आतंकवादी हैं। है ना, बारिश आ गई। ये सारे शैतान बच्चे हैं, ये शरीफ बच्चे हैं हमारे, और मैं इनका बेचारा टीचर। नहीं कर लो कर लो, नहीं कर लो कर लो, खेल लो, पटक दो एक दूसरे को उठा के। उधर पंजा लड़ा रहे हैं, इधर ये क्या थंब फाइट खेल रहे हैं। आओ मेरे से खेलो, किसके बस की, आओ। रुक जा, स्टार्ट तो करना है, अबे स्टार्ट तो करना है। और एक बात बता, ऐसे ये हटाना अलाउड नहीं होता, जैसे तूने हटा रखा है चिपका के रखना होता है ऐसे करके। पर ये तो हर बार देख चीटिंग कर रहा है ना, हर बार यहाँ से खोल दे रहा है, देख इस वाली जगह से तो हमेशा खोल दे रहा है, चीटिंग कर रहा है सत्यांश। तू ऐसे रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और किसको खेलना होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आओ। सर के साइड में, सर के साइड, देखो आपने भी खोल लिया प्रीशा, ऐसे खोलते थोड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई नहीं हटाना थोड़े सॉम में पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बताओ भाई। सर आपकी हो गया मोटा वाला है, बॉय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बताओ, आपको भी खेलना है? प्रगति कह रही है मैं नहीं खेल रही, मैं हार गया। बॉयज पावर क्या भाई, तू भी तो हार गया, तू कैसे बॉयज पावर है? नाइंसाफी क्या है, क्या क्या हुआ, गद्दारी हुई है, क्या गद्दारी हुई है? मैं क्या चीटिंग कर रहा हूँ, लो खेल लो। सर का अंगूठा देखो, सर का अंगूठा देखो, मेरा अंगूठा देखो, का दो दो अंगूठा पे। अगर आप में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या होगा? हाँ बाहर निकाल दिए जाओगे, तो प्रैक्टिस करके आना सबको। चलो बॉटल उठाओ, लाइन बनाओ, बाय बाय, भाग जाओ। और धक्का नहीं, रिवांश के पीछे लगो सब लोग, रिवांश के पीछे। रिवांश कहाँ खड़ा है? पूर्वी रिवांश के पीछे।
सो गाइस क्लासेस आर डन, बट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ख्वाहिश मैम का मेरे पास मैसेज आया कि उनके फ़ोन में जो स्टूडियो का व्हाट्सएप खुला हुआ था अब वो भी बंद हो गया. पता नहीं कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, नो आइडिया. बट येस, नाउ वी हैव टू रिन्यू द सिम किसी भी तरीके से. जो हम पहले सोच रहे थे कि सिम को उसी फ़ोन में रहने देंगे ताकि कभी भी अगर ऑन होती है तो मिल जाएगा, बट अब हमें एनी हाउ रिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि काम को नहीं रोक सकते स्टूडियो का काम, क्योंकि इतने सारे क्लाइंट्स के मैसेज उसी पे आते हैं, सब कुछ उसी पे होता है, तो रिन्यू करना पड़ेगा. तो चलते हैं रिन्यू कराते हैं भाई अब सिम. लेट्स गो. तो भाई हम आ तो गए थे जियो के ऑफिस में, पर भैया ने बोला कि अभी उनका ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया, तो कल सुबह आना है 10 बजे, तब हमें मिलेगी न्यू सिम. तो कल सुबह फिर चक्कर लगेगा हमारे यहाँ पे. रात के बज रहे हैं आई गेस 12:30, 1:30 पता नहीं मेरे को. एंड अभी मैं कर रहा हूँ हमारे प्रस्तुति वाले इवेंट की वीडियो एडिट. तो मेन बननी है हमारी एज एन अपलोड हो गई सब सोलो परफॉर्मेंस की एंड ग्रुप परफॉर्मेंस की, पहले हम सोलो में जा रहे हैं. एंड हमारी एक स्टार्टिंग की जो इंट्रो क्लिप है वो जतन सर ने बना के दिए, जो कि बहुत सही है, मतलब कुछ कूल सी. अभी पूरी नहीं दिखाऊँगा, अभी सारा मज़ा क्रिक का नहीं करना चाहता, जस्ट वो थोड़ी सी झलक थी. एंड ऐसे ही बैक टू बैक एडिट्स करनी पड़ेंगी ताकि सारी वीडियोस आ पाएँ, क्योंकि कंटेंट यार बहुत लेट हो गया. ये हमारा इवेंट 31 दिसंबर को हुआ एंड अब अप्रैल एंड होने को आ गया. बीच में बहुत मीटिंग हुई थी, थोड़ा डाटा वाटा को लेके एज एन करप हो गया था, या बहुत फसल हुई थी चीज़ें लेके एज एन उसको रिकवर करवाने में. तो फाइनली अब जाके टच हुए, हमारे पास सही सलामत हमारा डाटा वापस आ चुका है. तो अब हम काम करेंगे जल्दी से एडिट करके उसको बढ़िया बढ़िया फास्ट तरीके से डालेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार आज के ब्लॉग, आज का ब्लॉग यहीं तक था. तो जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर.